महादेवा 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 तेरा डमरू डम डम। डमरू कैसे बजता है कोई बता सकता है? महादेव जब भी डमरू बजाते हैं ऐसे तो नहीं बजाते, डमरू ऊपर बजता है। तो एक बार जरा हाथ उठा लो ऐसे। महादेवा महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए। देखो असली मायने में भगत कौन होते हैं जो बिना बोले नाचते हैं। देखिए पीछे वाले बिना बोले नाच रहे हैं, इधर वालों को बोलना पड़ रहा है। एक बार बजाओ महादेव के नाम की ताली, जरा हाथ उठा के बंटा। ताली बज सकती है और अगर बजाओगे तो। हाँ जी बोले को बोले को बोले को बोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला। बोले को कैसे मैं मनाऊं रे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। कौन कौन भोले को मनाने के लिए बैठे? हाँ बोलिए सच्चे दरबार की। भोला ना माने मेरा शंकर ना माने भोला ना माने शंकर ना माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे। भोला क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भोले का जीवन हम लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग है। कैसे? भोले को भावे न पूरी जलेबी भोले को भावे न पूरी जलेबी। भोले को क्या भाता है? हैं? किसने किसने भांग खाया है? बम भोले। एक बार पूछा गया कि भांग क्यों खाते हैं तो कहा भोलेनाथ का प्रसाद है इसीलिए। बोला गांजा क्यों पीते हैं? भोलेनाथ को चढ़ता है इसीलिए। भोले बाबा ने तो बीस भी पिया था, एक दो कटारा पी के निपट लो भैया। वो नहीं करेंगे, समझदार हो गए आजकल के भक्त। भोले बाबा भांग गांजा क्यों पीते हैं किसी को सच्चाई नहीं मालूम, बस भक्तों ने भोले बाबा को भंगेड़ी गंजड़ी बना दिया। हाँ जी एक बार बोलो सच्चे दरबार की। अगर मौका मिला वैसा माहौल आप लोग बनाएंगे तो वो भजन मैं जरूर सुनाऊंगा कि भोलेनाथ भांग गांजा क्यों पीते हैं। ठीक है? कि भोले को भावे ना पूरी जलेबी। तो भोले बाबा को भांग भाता है, तो भोले बाबा को सावन में भांग कौन कौन चढ़ाएगा? जरा हाथ ऊपर उठा दो ऐसे और ताली बजा के। भांग कहां से भांग से भांग कहां से लाऊं बस। आप लोग जरा हाथ उठा लो एक बार सीधे सीधे हाथ ऊपर बोलो सच्चे दरबार की। अब थोड़ी ताली बजा लो। जो नहीं बजाएगा ताली उसका पॉकेट हमेशा रहेगा खाली, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको मुझे छोड़ा के बीवी मिलेगी काली, पूरा ससुराल जाएगा खाली नहीं मिलेगा साली। इधर वाले जो नहीं बजा रहे ताली उसकी रूठ जाएगी घर वाली।
और आप लोग अगर नहीं बजाए ताली तो सासू माँ से मिलेगी गाली। लेकिन जो बजाएंगे ताली सावन में जाएंगे उनके घर भोले तानी, तो कौन कौन भोले को लेके जाएगा जरा हाथ तो उठाओ, सीधे ताली बजाओ। वन टू वन टू सुनो, भोले को भावे न धोती और कुर्ता, भोले को भावे न धोती और कुर्ता, धोती और कुर्ता मामा धोती और कुर्ता, धोती और कुर्ता मामा धोती, धोती और कुर्ता मामा धोती और कुर्ता, भोले को भावे न धोती और कुर्ता। तो भोले को क्या भाता है? खाली भांगे भाता है कि भोले बाबा कुछ पहनते भी हैं? क्या भाता है? मृग छाल, शेर का खाल, बाघ अंबर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीदी के लिए, एक बार जरा हाथ उठाए से और ताली बजा के। बाघ अंबर कहां से, बाघ अंबर कहां से, बाघ अंबर कहां से, मेरा उरे मेरा भोला नामा, तुझको रिझाने आया हो। भोले बाबा को कौन कौन मनाने आया है? तो जरा हाथ उठा लो सीधे और ताली बजा के। मैं तेरे दरी आया मेरे ओ भोले जी, मैं तो तेरे दरी आया मेरे भोले जी, मैं तेरे दरी आया पंडिता पंडिता पंडिता। बोलो सच्चे दरबार की, अभी ताली नहीं बजेगी? ताली बजेगी तो जरा हाथ उठा लो। वन टू वन टू थ्री भैया, इतना अच्छा ढोलक बजा रहे हैं, हमारे संजय चाचा इतना अच्छा कीबोर्ड बजा रहे हैं, बबलू भाई, मनोज भाई इतना अच्छा, आप लोग का नाम महादेव जानते हैं, आप लोग इतना अच्छा ताली बजा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा के लिए सुनिए। कहा भोले को भावे न ढोलक मजीरा, भोले को भावे न ढोलक, कि भोले को भावे ना ढोलक मजीरा। तो भोले को क्या भाता है? हाँ जी, तो डमरू कैसे बजता है एक बार बजाओ ना जरा हाथ उठा के। वन टू थ्री फोर सीधे हाथ खोल के और कहा भक्तों ने कहा डमरू कहां से, डमरू कहां से, डमरू कहां से, दाऊ रे मेरा भोला।